हेलो दोस्तों, बात करेंगे वेस्टइंडीज वर्सेस बांग्लादेश की जो ओडीआई मैच खेली जाएगी उसी के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ दे दूँ। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर प्लेयर है एंड रसल, वो इस मैच में खेलेंगे नहीं क्योंकि उनको इंजरी हो गई और वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो आपको बता दूँ, वो इस मैच में आपको खेलते नज़र नहीं आएंगे। तो आपने अगर उनको लिया होगा तो जल्दी से रिमूव कर दें। तो बात करेंगे क्या हो सकती है ड्रीम न्यूज़ और क्या हो सकती है ड्रीम इलेवन टीम। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहते हो इस मैच में जीतना तो स्मॉल लीग लगाए, क्योंकि ग्रैंड लीग अगर लगाते हो तो 26 रुपये की। तो ऐसा सोच कर लगाओ कि 26 रुपये एक तो आए, एक तो 1 लाख और 2 लाख उसमें आए। तो मैं बोल देता हूँ आपको, अगर आपने 26 रुपये की एंट्री फी ली है तो आप में उसमें क्या देखना है, ऐसी टीम लगानी है कि बहुत रिस्की हो वो टीम, और 26 रुपये में से आपको निकालने कितने, 1 लाख 2 लाख। तो ऐसी टीम लगाए कि वो रिस्की हो। तो मैं आपको ऐसे रिस्की ऑप्शन इस मैच में देने वाला हूँ कि जो आपको ग्रैंड लीग विन करवा देंगे, और ऐसे प्लेयर से जो इस मैच में खेलते हुए नज़र आ जाएंगे पर इनको बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक भी कर देना इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे। तो मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो देख लेते हैं क्या हो सकती है इस वेस्टइंडीज वर्सेस बांग्लादेश की टीम न्यूज़। तो बात करेंगे उसी के बारे में, अब क्या हो सकती है फाइनल प्लेइंग इलेवन उनकी और क्या हो सकती है ड्रीम इलेवन टीम। तो देखते हैं क्या हो सकती है टीम। तो बात करेंगे उससे पहले हम कैप्टन वाइस कैप्टन के देख लेंगे। पहले देख लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, आपके पास है शाइन होप और मुस्तफिजुर रहमान। हमारे पिछले मैच की वीडियो में शाइन होप थे हमारे, हमने रखा था, पर अभी हम स्मॉल लीग की टीम में जो है वो मुस्तफिजुर रहमान को रखेंगे। पिछले मैच में इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर ली थी, तो इसीलिए हम मुस्तफिजुर रहमान को इस मैच में रखेंगे हमारी टीम में, स्मॉल लीग की टीम में। तो बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं तमीम इकबाल, क्रिस गेल और इवन लुइस। क्रिस गेल के बारे में बता दूँ, पिछले मैच में इन्होंने 7 ओवर गेंदबाजी की। तो आपको पता है जो एक बैट्समैन है, अच्छे बैट्समैन भी फर्स्ट ओपनिंग भी करते हैं और 7 ओवर अगर गेंदबाजी कर लेते हैं, अगर एक आधी भी विकेट मिल जाती है तो हमारे लिए कितने अच्छे हो सकते हैं। आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी ग्रैंड लीग में रख सकते हो क्रिस गेल को, क्योंकि 7 ओवर में अगर इनको 1-2 विकेट मिल जाती है तो आपको पता है आप आसानी से ग्रैंड लीग विन कर जाओगे। तो मैं आपको बता दूँ, ग्रैंड लीग के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं इस मैच में क्रिस गेल, तो आप इनको ले सकते हो। फिर तमीम इकबाल को आप ले सकते हो, फिर इवन लुइस को भी आप ले सकते हो, इन तीनों को आप ले सकते हो। फिर देख लेते हैं क्या हो सकते हैं, शब्बीर रहमान को आप ले सकते हो। फिर बात करेंगे नीचे के ऑप्शन की, तो जोशन मोहम्मद को आप ले सकते हो। फिर जो हैटमेयर शेमरॉन को आप ले सकते हो, शेमरॉन हैटमेयर को, ये भी आपको अच्छी खेलते नज़र आ जाएंगे। 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आपको पता है आपको लेना है कि नहीं लेना है। आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, पर अच्छा जो है आपके लिए शेमरॉन ही हो सकते हैं, तो आप इनको ले सकते हो और अच्छे खेल भी रहे तो आप इनके साथ जा सकते हो। फिर बात करेंगे ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में, तो मैं बता दूँ आपको एंड्रू रसल इस मैच में आपको खेलते नज़र नहीं आएंगे, तो आप इनको नहीं लेना है। फिर बात करें शकीबुल हसन की, तो आप इनको स्मॉल लीग में कैप्टन रख सकते हो 100%, तो आप इनको रख सकते हो 100% कैप्टन शकीबुल हसन को। फिर जैसन होल्डर को आप ले सकते हो जो अच्छे पिछले मैच में खेल गए थे। फिर मोहम्मद अब्दुल्ला को आप ले सकते हो जो आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं इस मैच में, तो आप इन तीनों को ले सकते हो, तीनों के साथ आप जा सकते हो। इन तीनों के साथ मैं भी गया और मैं इन तीनों के साथ खेलूँगा इस मैच में, तो आप इन तीनों को ले सकते हो। फिर बात करेंगे नीचे के ऑप्शन की, तो आपको बता दूँ रमन पोल जो है वो 1-2 ओवर डालते हैं और फिर बल्लेबाजी करते हैं, तो हमारे लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है स्मॉल लीग में। और मोहम्मद हसन भी आपके लिए हमारे लिए अच्छे ऑप्शन नहीं है, हुसैन भी आपके हमारे लिए अच्छे ऑप्शन नहीं है। तो देख लेते हैं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में कौन अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं हमारे लिए। तो आपको हुसैन को आप ले सकते हो अगर क्रेडिट मेंटेन कर लेते हो। मुशरफ को आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। मैंने इनको नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास इनसे अच्छा ऑप्शन जो है मुस्तफिजुर रहमान है। इन दोनों में से आपको बता दूं कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो अच्छा ऑप्शन है, इसलिए मैंने मुस्तफिजुर रहमान को लिया हुआ है। आप अगर लेना चाहो तो मुशरफ को भी ले सकते हो डायरेक्ट, पर मुझे मुस्तफिजुर रहमान को लेना है। आप इन दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। फिर बात करेंगे नीचे के ऑप्शन की, एश्लिन नर्स को मैंने लिया हुआ है। एश्लिन नर्स को मैंने क्यों लिया हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि ये भाई ने एश्लिन नर्स को क्यों लिया है, क्योंकि आपने अगर इनको फॉलो किया होगा पिछले मैचेस में तो ये बैटिंग भी कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि ये बैटिंग अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, अगर इनको बैटिंग का चांस मिल जाता है तो आसानी से ये
30 से 40 रन निकाल लेंगे। तो हमारे लिए अगर कोई गेंदबाज 30 से 40 रन निकाल लेता है तो हम आसानी से मैच विन कर जाएंगे। अगर आपने देवेंद्र 20 को रखना है तो रख सकते हो, डायरेक्ट इनको ले सकते हो, ऐसे करके ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लेना है तो इनको ले सकते हो, पर मैं एक्चुअली नर्स के साथ जाऊँगा। तो मैं बता दूँ आपको क्वार्टरल कहाँ से आ गए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गए भाई, तो ये मैं बता दूँ आपको, एंड्री रसल की जगह पे जो है शॉल्टन क्वार्टरल को जगह दी गई है और ये डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आपको खेलते नज़र आ जाएंगे। मैं बता रहा था आपके लिए ग्रैंड लीग में कोई त्रुप का एक का हो सकता है तो क्वार्टरल हो सकता है। इनको देख लेते हैं कितने परसेंट लोगों ने लिया हुआ है, तो मैं बता दूँ आपको इनको कितने परसेंट लोगों ने लिया हुआ है, सिर्फ 2% लोगों ने लिया हुआ है। तो आप इनको लेकर ग्रैंड लीग तक विन कर जाओगे क्योंकि शॉल्टन को बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है, और अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर आपको बता दूँ अल्जारी को मैंने इसलिए नहीं लिया है कि मैंने जो है वेस्टइंडीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उनके कैप्टन ने बता दिया है कि जो अजराली है वो जो है वो बहुत महंगे साबित हुए हैं, और जो कीमो पॉल है उनकी बहुत तारीफ़ की है वेस्टइंडीज़ के कैप्टन ने, और ये आपको 100% इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे। फिर जो अल्जारी है वो इस मैच में रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए मैंने इनको नहीं लिया है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो ग्रैंड लीग में, पर ये रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं इसलिए मैंने इनको नहीं लिया है। आपको भी बता दूँ ये रिस्की ऑप्शन है अल्जारी, तो आप इनको नहीं लेना है। कीमो पॉल को आप ले सकते हैं, उनको कैप्टन ने बता दिया है कि इनने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और बहुत कसी हुई गेंदबाजी की है, इसलिए हम इनको ले सकते हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम में। तो बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, आपके लिए कैप्टन तो शाकिब उल हसन अच्छे ऑप्शन है ही, फिर आप सिमरन को भी रख सकते हो, और आपको बता दूँ ग्रैंड लीग में आपके लिए जो ऑप्शन है वो क्रिस गेल है, क्रिस गेल को हम ले सकते हैं क्योंकि वो 7 ओवर गेंदबाजी भी किए पिछले मैच में। तो आप इन इस टीम के साथ जा सकते हो, इस टीम को कॉपी आप कर सकते हो, इस टीम को पूरी तरह से कॉपी कर सकते हो, पर कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी मर्जी से रख लेना, क्योंकि ये अगर दोनों नहीं चले तो अगर तमीम इकबाल चल गए तो आप अपने हिसाब से अपने लक के हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन रख लेना। तो आपको बता दूँ आप क्रिस गेल को भी कैप्टन रख सकते हो, वाइस कैप्टन रख सकते हो। ग्रैंड लीग अगर खेल रहे हो तो क्रिस गेल को कैप्टन रख सकते हो, अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो तो वाइस कैप्टन रख सकते हो। इन चारों के साथ आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जा सकते हो, ये 5 जो है इनके साथ आप जा सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो दोस्तों तो बात करेंगे पिछले मैच, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और बाजू में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दो। तो दोस्तों थैंक यू।